हरे कृष्णा। किसी भी चीज को करने से पहले अगर हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो ऑटोमेटिक हम उसे जोड़ जाते हैं। तो आज हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, ताड़ और आसन। ताड़ अर्थात एक बहुत ही लंबा वृक्ष जो कि ताड़ का होता है, और आसन यानी कि जब हम ये आसन करते हैं तो हमारी जो शरीर की स्थिति होती है वह ताड़ के वृक्ष के समान दिखाई देती है। यानी कि इसमें हम अपने शरीर को इतना ऊपर की तरफ खींचते हैं कि हमारा शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा दिखता है, और इसके लाभ भी जो है वो भी ताड़ासन के ही समान होते हैं। सबसे पहला लाभ ये होता है कि हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, और साथ ही हमारे शरीर में एक संतुलन आता है, और साथ ही जिनके पैरों में दर्द होता है उनके लिए ये आसन बहुत ही अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले तो आप सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों पैरों की एड़ियां जो है आपस में मिली हुई, और जो पंजे के टो है वो भी आपस में मिले हुए होने चाहिए। बिल्कुल सामान्य स्थिति में एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अभी आप सामान्य स्थिति में आने के बाद हम धीरे धीरे हाथों को इस तरीके से उठाएंगे, सांस को भरते हुए, और दोनों हाथों को आपस में हम बांध लेंगे, ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से सर पे रख लेंगे। अब यहाँ से हम ताड़ासन करना शुरू करेंगे, दोनों पैर के जो टो हैं आपस में मिले रहेंगे, और ऐसे देखिए इस तरीके से दोनों पैरों के पंजों के बल हम अपनी एड़ियों के साथ अपने पूरे पैर की पेशियों को ऊपर की तरफ खींचते हुए श्वास को भरते हुए धीरे 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 ऊपर जाना है, और उसके बाद अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना है, तभी आप देर तक इस आसन में बने रहेंगे। लेकिन शुरुआत में आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, 2 सेकेंड 10 सेकेंड रुकेंगे, फिर धीरे धीरे आप इस 5 मिनटों तक अभ्यास कर सकते हैं, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए। रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब श्वास ले छोड़े, श्वास ले छोड़े। इस आसन को आप 5 से 6 बार शुरुआत में करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम इनका एक एक करके लाभ को भी हम जानेंगे। तो सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि इससे लंबाई बढ़ती है। इस आसन को करने से लंबाई आपकी निश्चित तौर पे बढ़ेगी, चाहे आप कितनी भी उम्र के क्यों ना हो, आप 10 साल के हो, 20 साल के हो, या फिर आप 50 साल के क्यों ना हो, थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही अगर आप इस आसन को करते हैं तो। यही अगर बच्चों को ये आसन कराया जाए तो उनकी लंबाई बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती है, और उसके साथ पैर में बैलेंस भी बनता है, और हमारी पैरों के जो मसल्स होते हैं उन्हें भी बहुत ही रिलैक्स मिलता है, हमारे पैरों में संतुलन आता है, और उसके साथ हम अपने आप में एक स्थिरता महसूस करते हैं। साथ ही ये सन प्रक्षालन का पहला आसन माना जाता है। जब भी हम सन प्रक्षालन करते हैं तो ये आसन जरूर हम करते हैं, और ये हमारी पेट की भी सफाई करने में भी बहुत ही हेल्प करता है। और अगर किसी के शरीर में कोई भयंकर समस्या हो, कोई बड़ी बीमारी हो, तो उनको किसी योग गुरु के ही निर्देशन में करना चाहिए, वरना ये आसन हर कोई कर सकता है। और इसी के साथ मैं दिवाड़ी को विराम देती हूँ। आगे कौन से आसनों को आप जानना देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए हरे कृष्णा।